नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की आज की कड़ी में। आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे, दिसंबर 2023 का पेपर क्वेश्चन नंबर, मतलब 25 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी साहित्य का, क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 100 तक। इससे पहले क्या है कि 51 से लेके 75 तक 25 क्वेश्चन हो चुके हैं भाग एक में, दिसंबर 2023 के PYQ में। यूथ कंपटीशन का हमने 2019-2021 का कर लिया है पेपर भी, और 22-23 का जो पेपर है हूबहू पेपर, उसका हल भी हमने कर लिया है, 23 का कर रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो ये सब पूर्व की बातें हो गई, इससे पहले की वीडियो आप जरूर जाके देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, देखते हैं, शुरू करते हैं, समय क्यों गंवाएं, 25-25 के देखेंगे, दूसरा भाग है, फिर तीसरा चौथा में ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके पहले के भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। PYQ से यकीन मान के चलिए 30-40% आपको क्वेश्चन सही हो जाता है एग्जाम में, 100 में से 30 या 40 तो बिल्कुल ही सही होगा। कथन एक क्या है कि नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का वर्णन है, और कथन दो क्या है, साप भरा तन प्रजातंत्र या काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की है। तो देखिए, यह क्या है ना कि क्या है या क्या है, क्यों है, कहाँ से आते हैं, ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि देखिए इसका सही आंसर क्या है, तीसरा है ना, पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है, तो कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है। ठीक है, सब भरा तन प्रजातंत्र या काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की, यह बात गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में यदि किसी को डाउट होगा ना तो वह कमेंट करके कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 77, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। तो इसका ऑप्शन है काका कालेलकर, महादेव गोविंद रानाडे, श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका, गर्मी कितनी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको मतलब कि हमें बर्दाश्त करते हुए अपनी स्टडी जारी रखना है। अब तक तो 18 जून ही आपका एग्ज़ाम का डेट है, हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन आप मान के चलिए कि नहीं बढ़ेगा, बहुत कम रेयर चांस है कि बढ़ भी जाता है तो एक आध हफ्ता इधर उधर होगा और क्या। तो 18 जून को आपका पेपर है, और उसकी तैयारी जरूर कीजिए, और PYQ जरूर अंत में सॉल्व करके जाइएगा। काका कालेलकर इसके सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, सौर सैनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है, नहीं पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पूर्वी हिंदी। ठीक है, यह सब अपभ्रंश वाली और किस क्षेत्र की कौन सी भाषा है यह जरूर पढ़ लीजिएगा, दृष्टि वाली बुक से पढ़िए, किसी भी बुक से पढ़िए, दृष्टि वाला हमें अच्छा दिया है, और नया पूरा कोई भी है, मतलब कोई भी पब्लिकेशन है वो अच्छा है, और जिसको लेना है तो वह नए वाला ही ले, नए वाला मतलब नए में क्या है कि थोड़ा अपडेट भी रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हम मिला देते हैं, मतलब कि यह आत्मकथा है और खंड है, सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में इसे जोड़ा जाता है। देखिए पहला कौन आएगा, पहले हमारे दिमाग का मतलब जैसे हम पढ़े हैं उसी हिसाब से रहना चाहिए, ऊपर नीचे यहाँ पे जरूर दे कोई बात नहीं। तो क्या भूलूँ क्या याद करूँ आता है, तो यह पहला खंड है, फिर दूसरा कौन है, नीड का निर्माण फिर, तो यह सीधा सीधा मिल गया, फिर इसके बाद बसेरे से दूर तीसरा है, फिर दस द्वार से सोपान तक आपका चौथा है, यानी कि A का 3, B का 2 किसमें है, A का 3, B का 2, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर तीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80, ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर को चुनना है, यहाँ देखिए नहीं है, मतलब जो बातें नहीं है, जो गलत है उसी को चुनना है, सही वाला नहीं, सही उत्तर चुनना है लेकिन नहीं के संदर्भ में। ठीक है, तो देखते हैं, ब्रह्म समाज के अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशवाद समर्थक थी। बी है, ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता का विरोधी था। देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशवचंद सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई थी। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था। ठीक है, इतनी बातें हो गई, 5 ABCDE 5 बातें हैं, तो इसमें से 3 ऑप्शन जो हैं वह गलत है, नहीं है, तो उसी नहीं चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर 2 ADE, यानी कि पहली बात गलत है और डी वाला भी गलत है, क्योंकि 1882 में नहीं, 1828 में हुआ था,
और ई भी गलत है कि पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था, यह गलत बात है, पुनर्विवाह का समर्थन करता था, गलत चुनना है, इसलिए ए डी ई। क्वेश्चन कभी कभी ध्यान से पढ़ने पे छोटी छोटी बारीकियां पकड़ने से बहुत सी चीज़ें सही हो जाती हैं और उसे छोड़ देने पे गलत हो जाती हैं। क्वेश्चन 81 है, मतलब 51 से हिंदी शुरू हुआ, 1 से 50 तक पेपर 1 था, तो इसीलिए हम 51 से कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि 51 के बाद अचानक 81 पहुंच गए, दूसरे भाग में ही 25-25 क्वेश्चन करा रहे हैं तब भी, तो 51 से 75 फिर 76 से 100 तक। 80 है, अमृतसर आ गया कहानी में, किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? ऑप्शन है अमृतसर, वजीराबाद, झेलम या फिर हरबंसपुरा। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 वजीराबाद। अगला क्वेश्चन नंबर 82 है, शक्ति ही कवित्व बीज है संस्कार रूपा का बेहतु शक्ति के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? भट्टौत, रुद्रट, मम्मट या फिर जगन्नाथ। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 मम्मट। कौन? मम्मट। क्वेश्चन नंबर 83 है, अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन चुनना है। देखिए वहाँ पे एक था ना असत्य चुनना था, यहाँ पे लेकिन सत्य चुनना है। पांचों को पढ़ते हैं। ए है, धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। बी है, यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है। सी है, यह नाटक का घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन को संध्या से लेकर प्रभास क्षेत्र में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक है। डी है, दृश्य परिवर्तन या अंग परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। ई है, नाटक के 3रे अंक का शीर्षक गांधारी का साफ है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 ACD। ACD का मतलब कि पहली बात सही है, सी का मतलब कि यह भी बात सही है कि 18वें दिन की संध्या से जो श्री कृष्ण की है प्रभास में उनकी मृत्यु तक है, प्रभास तीर्थ में मतलब, और उसके बाद आपका जो है डी वाला वह भी आपका सही है कि दृश्य परिवर्तन या अंग परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। ठीक है, कथा गायन की योजना है, तो इसीलिए ACD यहाँ पे सही हो गया, ACD। क्वेश्चन नंबर 84 है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को पहले से बात के क्रम में लगाइए। T.S. Eliot, ड्राइडन, I.A. रिचर्ड्स, विलियम वॉर्ड्सवर्थ या फिर मतलब और लोनजाइनस। 5 लोगों को क्रम से लगाना है क्वेश्चन नंबर 84 में। तो जो इसका सही आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर 4 में है, EBDCA। तो आइए लगाते हैं, पहले कौन आएंगे? पहले आएंगे आपके लोनजाइनस, फिर आएंगे आपके ड्राइडन, फिर आएंगे आपके विलियम वॉर्ड्सवर्थ, फिर आएंगे आपके आई ए रिचर्ड और लास्ट में आएंगे T.S. Eliot। क्वेश्चन 85 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, यज्ञ की त्रिशंकु, आत्मने पद, अद्यतन और समंसर आदि पुस्तकों में उनका आलोचना परक चिंतन और वैचारिक साहित्य संकलित है। बी में है, मुक्तिबोध की कृति एक साहित्यिक की डायरी की धारावाहिक प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ। तो इसमें क्या है? सत्य सत्य बताना है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है, पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 86 है, धरती धन अपना और इधर उनकी माँ है, यानी कि मतलब इधर जो है पात्र है इनकी माँ से मिलाना है। अच्छा, मिला देते हैं 86 में। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, मतलब A3 B4 C1 D2। तो लच्छो की जो माँ है वह कौन है? वह लच्छो की प्रीतो, लच्छो प्रीतो, बी जीतू निहाली। और उसके बाद जो ज्ञानो है ना, ज्ञानो की माँ है जस्सो, जैसा नाम जैसे जैसी माँ वैसी बिटिया, ज्ञानो जस्सो, ओ ओ ओ ओ। इसके बाद डी का 2 है, दलीपा हुक्मा, इसमें आ के मात्रा, इसमें भी माँ पा माँ माँ पा माँ, तो दलीपा हुक्मा। क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तर आधुनिकता के संबंध में उपयुक्त कथन आपको बताना है, कि मतलब सही उत्तरों का चयन करना है, ABCDE है। ठीक, तो देखिए क्या है, ल्योतार के पुस्तक, मतलब बड़ा है तो सीधे आंसर ही देख लेते हैं, आंसर का मतलब कि आपका सीधे दिमाग में रहे, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है कि क्वेश्चन को दिखाना और उसका आंसर बताना, उसका विश्लेषण करते हुए चलना, जो भी अन्य बातें बताई जा सकती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है 87 का? 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ACE। तो देखते हैं इसका मतलब ए में क्या है, ल्योतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का आरंभ माना जाता है। और सी में क्या है कि फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है।
इसके बाद ई है उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणाएं की हैं। तो मतलब थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, तीनों सही है, बी यहाँ पे गलत है और डी भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, बी में देखिए 19वीं शताब्दी को उत्तर आधुनिकता का समय माना जाता है, यह बात भी गलत है, और डी वाला भी गलत है। टी एस इलियट की कृति द वेस्ट लैंड उत्तर आधुनिकता का साहित्यिक उदाहरण है, यह बात भी गलत है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88, आगरा बाजार नाटक में आई नज्म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो देख सकते हैं कि पंक्तियों का क्रम भी पूछा जाने लगा है, यानी कि कठिन क्वेश्चन से थोड़ा सा मतलब डीप में पूछा जाने लगा है। और इसका मतलब पंक्ति देख लेते हैं, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, तो उसकी बात की जाए तो देखिए पाँच है ना, ए बी सी डी पाँच ही तो है, फिर ऑप्शन है, ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें देखिए पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका डी वाला, मतलब डी डी आएगा, फिर आएगा आपका सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर कौन बचा अंत में, ई बचा, तो फिर ई आएगा। डी देखिए कैसे आएगा, जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोजी के मुश्किलात। फिर आएगा सी, होता है मतलब इतना भी आप कौन याद रखने जाएगा नाटक में जो आए गाने हैं या पंक्तियां हैं, फिर पहले कौन आया बाद में कौन आया, हालांकि पढ़ेंगे एक दो बार तो फिर एक आपके ब्लूप्रिंट आपके मन में बन जाएगा। होता है बागों से हर एक बाग का निभा, वह बाग किस तरह न लौटे और न उजड़े आह। और उसके बाद ए है, वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज हैं जानते। इसके बाद बी है, रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिशें बागों चमन में न हो। और ये है, कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, यह अंत में आएगा। तो इसका यही सही क्रम है डी सी ए बी ई, ऑप्शन देख सकते हैं इसी प्रकार से दिया है, तो जो चौथा पे दिया है यही इसका सही आंसर है डी सी ए बी ई। क्वेश्चन नंबर 89 है, दो कथन दिए गए हैं, एक पहला महिला अचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाई गई। दूसरा है राजा महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है, यह संवाद बाणभट्ट की आत्मकथा में सुचारिता का है। तो क्या दोनों बातें सही हैं या फिर दोनों गलत हैं, या फिर पहला सत्य दूसरा असत्य, या फिर पहला असत्य दूसरा सत्य है, तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए जो है ना कि इसमें दोनों बातें ही क्या हैं, झूठ हैं असत्य हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो, दोनों असत्य हैं, दोनों असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, सूची में मिलाना है, इधर बोली है उधर क्षेत्र है, ठीक इधर बोली है इधर क्षेत्र है। देखिए मारवाड़ी जो है ना, मारवाड़ी जो है वह बोली जाती है आपकी अजमेर में, मतलब ये देख लीजिए ऑप्शन आपका बार बार पढ़े हैं मारवाड़ी है, हड़ती है, डुढ़ाड़ी है, मेवाती है, इधर कोटा अजमेर अलवर और जयपुर है। तो मिला देते हैं, मारवाड़ी कहाँ पे है, बोली जाती है अजमेर, मुख्यतः मतलब थो जहाँ पे प्रमुख केंद्र है ना उसी का लिया जाता है, हालांकि उसके यदि मारवाड़ी है तो उसके अजमेर के अगल बगल क्षेत्रों में जो सटे हुए हैं वहाँ पे भी बोली जाती है, लेकिन प्रमुख क्या है, ज़्यादा संख्या जिसकी रहेगी उसी की मानी जाती है, तो अजमेर इसका मुख्य केंद्र है। इसके बाद है हड़ौती मतलब कि यह आपका कौन सा क्षेत्र आएगा, कोटा वाला क्षेत्र आएगा, डुढ़ाड़ी है, डुढ़ाड़ी आपका जयपुर वाला क्षेत्र आएगा, फिर मेवाती आपका अलवर वाला क्षेत्र आएगा, मेवाती कहाँ का क्षेत्र आएगा, अलवर वाला। तो हमारा कितना होगा, ए का टू बी का वन, देखते हैं ए का टू बी का वन, ऐसा ऑप्शन में है ए का टू बी का वन और सी का फोर। देखिए मतलब ए का टू बी का वन तो दो दो ऑप्शन में मिल रहा है, लेकिन सी का फोर नहीं है, तो फिर यहाँ से आप लगा सकते हैं, यानी कि दो एक ऑप्शन आने पे नहीं लगेगा बल्कि दो या तीन ऑप्शन आने पे ही क्वेश्चन हल हो रहा है। मतलब ज़्यादातर आपको एक क्वेश्चन आने पर भी एक ऑप्शन आपको आ रहा है वहाँ से भी कभी कभी सही हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतेंदु हरिश्चंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों से सत्य कथन बताना है आपका, सही उत्तर चुनना है, पांच ऑप्शन है यहाँ पे, तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका देखिए पहली बात जो है, भारतेंदु ने कालचक्र शीर्षक अपने इतिहास जनरल में 1873 में
नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली। तो यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है, यह बात बिल्कुल सही है। और जो दूसरी बात है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में आर्य नगरी समाज नामक के संस्था के निर्माण किया, यह बात गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा, आनंद रघुनंदन नाटक लिखा, यह बात भी क्या है, यह बात भी गलत है। और भारतेंदु ने भारत मित्र के 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग किया, यह बात सही है। और ये है, भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो बिल्कुल बोले हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए डी ई, ठीक, गलत। ए डी ई एक में कहाँ है, मतलब दो में कहाँ है, एक में, ऑप्शन नंबर एक क्या है, ए डी ई, ठीक है। देख के भी कभी कभी गलत हो जाता है, या ह्यूमन एरर में आ जाता है, मिस्टेक हो जाती है, पहला ऑप्शन वहाँ पे ए डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, मुक्तिबोध ने साहित्य के हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्य को ललकारने लगती है, कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है, डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। मुक्तिबोध की रचना के शिल्प के बारे में यह कथन किस साहित्यकार का है, ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, निमी चंदन, शमशेर बहादुर सिंह या फिर श्रीकांत वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 श्रीकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 93 है, बाबा साहब अंबेडकर ने पीएचडी उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की, ऑप्शन है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या है, कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी उपाधि प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 94 है, रामधारी सिंह दिनकर के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बात के क्रम में लगाइए, ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, रेणुका, दिल्ली, हुंकार और रश्मिरति, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। एक का कहने का मतलब कि देखिए, एक का कहने का मतलब कि BDAEC, तो पहले आएगा रेणुका आएगा, फिर आएगा आपका हुंकार, फिर आएगा आपका कुरुक्षेत्र, फिर आएगा आपका रश्मिरति और लास्ट में आएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 95 है, झूठा सच के पहले खंड जिसका नाम है, यह भी पूछा जाता है कि झूठा सच के पहले खंड का क्या नाम है, दूसरे खंड का क्या नाम है, तो वतन और देश में, और दूसरे खंड का क्या नाम है, वतन और देश, और दूसरे का नाम है देश का भविष्य, ठीक है। भोले पांधे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी के कार्यकर्ताओं के नाम का सही युग्म क्या है, देख रहे हैं थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। तो कार्यकर्ताओं के जो है उसका युग्म का क्या नाम है, बसंत, कौर और कांता, यह बात गलत है, ज्ञान देवी और सतवंत, यह भी गलत है, ईश्वर कौर और ज्ञान देवी, यह सही है, दुर्गा और ईश्वर कौर, यह भी गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर कौर और ज्ञान देवी। अगला क्वेश्चन है, असाध्य बीड़ा कविता में आई निम्न उक्तियों फिर संवादों को कविता में आने के आधार पर पहले से बात के क्रम में लगाना है, देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन है, फिर उसके बाद पहले कौन आया, बाद में कौन आया, असाध्य बीड़ा, ठीक है, असाध्य बीड़ा कविता से लिया गया है और 96 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हमें बताना है, यानी कि पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा ए सी वाला, पहले आएगा सी वाला, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ, फिर इसके बाद आएगा आपका, इसके बाद आपका आएगा ए, ए का मतलब कि दूसरे नंबर पे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ, इसके बाद आएगा आपका ई, ई कहाँ पे गया, यहीं, हाँ मुझे स्मरण है बदली कांध पत्तियों पर वर्षा बूदों की पटपट, तो यह आपका तीसरे नंबर पे आएगा, और इसके बाद आपका आपका आएगा डी, डी का मतलब कि मुझे ओढ़ दे ढक ले छा ले ओ सरल, और अंत में आपका बी आएगा 5वें नंबर पे, श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CAEDB। अगला क्वेश्चन 97 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रीतिबद्ध काव्य धारा के पंक्तियों से जुड़ी काव्य पंक्तियाँ कौन कौन सी है, 5 ऑप्शन है यहाँ पे, पहला है भाषा ब्रजभाषा रुचिर कहे सुमति सबकाई, तो क्या यह है, क्या यह है, तो जी हाँ यह है,
ठीक है, यह वाला है, यह सही आंसर है। और बी है हिल मिली जाने तासो मिले के जनाब हेत हीत को न जाने ताको ही तो न बिसाइए, तो यह आपका नहीं है। सी है आखिन में अलसानी चितौनी में मंजू बिलासन की सरसाई, यह आपका है, यह आपका क्या है रीतिबद्ध का विधारा से है। देखिए यहाँ पे पंक्तियाँ भी आपको पढ़नी होंगी जो यूनिट 5 में दिया गया है, और यह भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा गौर से पढ़ना होगा। और सी वाला आपका है। इसके बाद है बेगी बूढ़ी गई पंखिया अखिया मधु की मखिया भर मेरी भई मेरी, तो यह भी आपका है। और इसके बाद ई है सो सुर साँच कहूँ नहीं झाड़ा जो ही बजावे लिए मन बाजे, यह आपका नहीं है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए है, सी है, डी है। तो देखते हैं ए सी डी कहाँ पे है, तो चौथे नंबर पे आपका क्या है, ए सी डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है, यह कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है। ऑप्शन है क्रोचेट, एस एलियट, कॉलरिज, आई ए रिचर्ड्स, तो यह किसका कथन है, ऑप्शन नंबर 4 आई ए रिचर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 99 है, मिथक या जो मिथक प्रतीक और बिंब, मिथक प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव करना है। यहाँ पे हमें जरूर देखना है ध्यान से, कभी कभी गलत पूछ देता है यहाँ पे कि गलत कथनों का चुनाव कीजिए, तो कौन से सही कथन नहीं है ऐसा भी पूछ देता है, तो सही कथनों को देखना है। यहाँ पे भी आपके सामने 5 ऑप्शन है। ए का देखते हैं, ए में मतलब क्या लिखा है, बी में क्या लिखा है, सी में क्या लिखा है। ठीक है, देखिए ए है अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक आख्यानमूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया है, तो यह बात सही है। और बी है नगेंद्र लिखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना, मतलब कोई कथन किसी का है तो कथन हमें वह भी पता होना चाहिए, याद करने की बात नहीं करें, हमें पता होना चाहिए, यानी वह हमें स्मरण होना चाहिए। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, यह भी बात सही है, मतलब उन्हीं का कथन है। और सी है प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्ट किया जाता है, यह बात गलत है। डी है प्रतीक प्रतिरूप ना होकर निरूपण होता है, कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है, यह भी सही है। और ई है कल्पना के प्रतीक का निर्माण होता है और प्रतीकों से बिंब का निर्माण होता है, यह बात आपका गलत है, यह बात आपका गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ए बी और डी। आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, मतलब आज का मतलब हमेशा के लिए नहीं, आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए उर्वशी के पात्रों को हमें यहाँ पे चुनना है, उस उर्वशी के स्त्री पात्रों को चुनना है, 5 दिया है और ऑप्शन में 3 होगा, मतलब 3 इसमें से है, 2 नहीं है, तो उर्वशी के पात्र कौन कौन है यहाँ से हमें चुनना है। तो देखिए सहजन्या है, जी हाँ है, सुनंदा है, सुनंदा नहीं है, स्वस्ति है, स्वस्ति भी उर्वशी का पात्र नहीं है, चित्रलेखा है, चित्रलेखा है, इसके बाद निपुड़िका है, निपुड़िका भी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ए डी और ई, ए डी और ई का मतलब कि यहाँ पे दिया है ना ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपको यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन आपको पी वाई क्यू के रूप में यहाँ पे दिखाया, उसका आंसर बताया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी मिल सकता है आपको, और मतलब मिल जाता है, मिल जाएगा, बाकी वहाँ से आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो कमेंट के माध्यम से अपना क्वेश्चन पूछिए, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। और हाँ यह भी बताते रहिए, अरे सर ऐसा नहीं वैसा नहीं, या गलत वा गलत, मतलब जो भी आपको लगे ऐसा आप करा सकते हैं तो आप करा दीजिए, मतलब आपके मन में जो भी है, जो भी लगे कि नहीं यार ठीक नहीं है, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।